हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं जंपिंग एंड थ्रोइंग इवेंट में जितने भी इवेंट्स आते हैं उनके मुख्य मुख्य इवेंट्स के जो टेक्निक होते हैं उन टेक्निक्स के बारे में बात करूंगी जो आपके एग्जाम्स में 100% आते हैं। जैसे लंबी कूद में हैंग टेक्निक, हिचकी टेक्निक, सेल टेक्निक एंड ऊंची कूद में सीजर्स, वेस्टर्न स्ट्रेडल, फॉसबरी फ्लॉप, इन सभी के बारे में डिटेल में बात करने वाली हूँ। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। इसमें से 100% हर बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, ईएलटी की प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। उन सभी वीडियोज को वॉच करके आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन बना सकते हैं। एंड दोस्तों, डेली बेसिस से प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज दिए जा रहे हैं जिसका प्रैक्टिस करना न भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आज के टॉपिक, जंपिंग एंड थ्रोइंग इवेंट्स के प्रमुख टेक्निक क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, जैसे कि आपको तो ये पता ही है कि जंपिंग इवेंट्स के अंतर्गत कौन कौन इवेंट्स आते हैं एंड थ्रोइंग के अंतर्गत कौन कौन। जंपिंग के अंतर्गत लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप एंड पोल वॉल्ट आते हैं एंड थ्रोइंग के अंतर्गत शॉट पुट, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो एंड जेवलिन थ्रो आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लंबी कूद की तकनीकों के बारे में। लंबी कूद में दोस्तों तीन टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, हैंग लटकना तकनीकी, हिचकिक टेक्निक एंड सेल टेक स्टाइल। पहला हैंग लटकना तकनीक, यह 8 मीटर की ऊपर की दूरी तक कूदने वाले जंपरों के लिए कम ठीक रहता है। इसमें पेट की पेशियां मजबूत होनी चाहिए, दोनों हाथों को ऊपर सीधा करते हुए फिर दोनों पैरों को एक साथ हवा में ले जाएंगे तथा 90 अंश पर रोके रहेंगे जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। दूसरा है लंबी कूद की टेक्निक, हिचकिक टेक्निक, जिसको साइकिलिंग विधि भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि पैरों को हवा में उसी प्रकार चलाएंगे जिस प्रकार दौड़ते समय चलाते हैं, वह कंधों, दोनों कंधों को भी उसी तरह चलाएंगे जैसे कि चित्र में दिख रहा है। एंड दोस्तों, तीसरा शैली है इसमें सेल स्टाइल। तो यहाँ पे लंबी कूद में कितनी शैलियां, हैंग लटकना टेक्निक, हिचकिक टेक्निक यानी साइक्लिक मेथड एंड सेल टेक्निक, सेल स्टाइल, ये तीनों आपके लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप के टेक्निक हैं। दोस्तों याद कर लीजिएगा, हर बार पूछा जाता है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे ऊंची कूद यानी कि हाई जंप की। हाई जंप यानी कि इसमें दोस्तों 4 टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, 4 शैलियों का। इन 4 शैलियों का नाम है सीजर्स शैली, वेस्टर्न रोल, स्ट्रेडल रोल एंड फॉसवरी फ्लॉप। इसको याद करने का ट्रिक है दोस्तों सीवेस ट्रेफा, सीवेस ट्रेफा यानी कि सी से सीजर शैली, वे से वेस्टर्न रोल, स्ट्रे से स्ट्रेडल रोल, फॉस से फॉसवरी फ्लॉप। अब इन चारों के बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीजर शैली, सीजर्स स्टाइल की। सीजर स्टाइल की खोज माइक स्वीनी जो अमेरिकी जंपर था उसने किया था 19वीं शताब्दी के अंत में सामने की बाधा को दूर करने के लिए। इसमें एक पैर को दूसरे पैर में फंसाकर वह पेट आगे की ओर झुकाकर क्रॉस बार को पार किया जाता है। दूसरा है लॉन्ग जंप की टेक्निक, दूसरा है हाई जंप की टेक्निक, वेस्टर्न रोल। वेस्टर्न रोल की खोज जॉर्ज होराइन अमेरिका के पश्चिमी तट का एथलीट ने किया था। जॉर्ज हुराइन ने 18 मई 1912 को पहली बार पालो आल्टो कैलिफोर्निया में 2 मीटर की जंप किया था जो उस समय का विश्व रिकॉर्ड था। इसमें एक चक्र पूरा करते हुए हवा में क्रॉस बार के समानांतर होकर उसे पार करना होता है। दोस्तों सीजर शैली की तरह यह टेक्निक भी अधिक लोकप्रिय नहीं हुआ। फिर तीसरा शैली आया स्ट्रेडल रोल, इसको वेली रोल भी कहते हैं।
इसकी खोज देव अल्ब्रिंटन ने, अमेरिकी एथलीट ने, 1930 के दशक में किया था। इसमें शरीर क्रॉस बार के समानांतर पेट नीचे तथा शरीर के साथ साथ एक तरफा रहता है। इसको इस शैली में को रूस के वेलरी ब्रूमेल ने इसमें सुधार करते हुए 1963 में 2.28 मीटर जंप करके विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। एंड दोस्तों चौथा है यानी आधुनिक शैली हाई जंप में फास्वरी फ्लॉप, जो बार बार पूछा भी जाता है एग्जाम्स में, सबसे ज्यादा यही पूछा गया है। फास्वरी फ्लॉप आधुनिक शैली वर्तमान समय में यही सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इसकी खोज डिक फास्वरी ने, अमेरिकी एथलीट ने किया था। इन्होंने इसका प्रदर्शन, डिक फास्वरी ने फास्वरी फ्लॉप शैली का सबसे पहले प्रदर्शन 1968 के मैक्सिको ओलंपिक में किया। इसमें क्या होता है दोस्तों, तिरछा रन होता है जिससे ऊपर की पीठ कंधों से पहले क्रॉस बार को पार करती है। इसमें टेक ऑफ विकसित करने के लिए करने में लिफ्ट की सभी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये था हाई जंप की चार टेक्निक, सीजर शैली, वेस्टर्न रोल, स्ट्रेडल रोल एंड फास्वरी फ्लॉप। अब बात करते हैं दोस्तों शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक की टेक्निक का नेम। इसमें बस नेम बताऊंगी दोस्तों, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस में नेम ही पूछता है इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। अगर मैं इसका एक एक करके वीडियो बनाऊंगी तो उसका डिटेल में वर्णन करूंगी। यहाँ पे मैं शॉर्ट पुट के तीन टेक्निक का नाम बता रही हूँ, इसको आपको याद रखना है। जैसे कि सबसे प्राचीन शैली है ऑर्थोडॉक्स स्टाइल, दूसरा है पेरियो ब्राइन, तीसरा है डिस्को पट शैली जो आधुनिक शैली है। इसकी खोज अलेक्जेंडर वेरी सिकिनो रूस के थ्रोअर ने किया था। एंड दोस्तों अब बात करेंगे हम ट्रिपल जंप के टेक्निक की। ट्रिपल जंप में फ्लैट टेक्निक, स्टीप टेक्निक एंड मिश्रित टेक्निक यानी तीन टेक्निक का प्रयोग इसमें किया जाता है ट्रिपल जंप में। तो दोस्तों इसको बस आप याद कर लीजिए, लंबी कूद के तीन टेक्निक, हैंग टेक्निक, हिचकिक टेक्निक, सेल स्टाइल एंड हाई जंप यानी ऊंची कूद के चार टेक्निक, सीजर शैली, वेस्टर्न रोल, स्ट्रेडल रोल, फास्वरी फ्लॉप एंड शॉर्ट पुट गोला फेंक के तीन टेक्निक, प्राचीन शैली ऑर्थोडॉक्स स्टाइल, पेरियो ब्राइन, डिस्को पट एंड ट्रिपल जंप के तीन टेक्निक, फ्लैट टेक्निक, स्टीप टेक्निक एंड मिश्रित टेक्निक। इससे बाहर इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि दोस्तों इन चारों इवेंट्स के आपके सभी टेक्निक याद हो गए होंगे, आपने नोट्स बना लिया होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए दोस्तों, जिससे मुझे एक नया मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे आपके लिए मैं डेली बेसिस वीडियो बनाती रहूं। एंड पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।